ये बोझिल चेहरा, इस चेहरे पर छाई झुर्रियाँ, ये आँखें शून्य में निहारती अपने अंदर कई यादें लिए हुए है, कुछ खुशी की, कुछ गम की, कुछ प्यार की तो कुछ अहम की, कुछ बचपन की तो कुछ जवानी की, कुछ शोर की तो कुछ वीरानी की। एक आवाज़ थी जो कभी सेनापति जैसे चिल्लाती थी, तो कभी प्यार से दिलों को पिघलाती थी। ख्वाहिशें तो बहुत थी आज़ाद पंछी की तरह आसमान में उड़ने की, पर ज़मीन से ही जुड़ा रहा, अपनों से दूर नहीं रहा। जिंदगी के इस मुकाम पर आकर सोचता हूँ, मैंने क्या खोया, क्या पाया। सुकून मिलता है जब मेरा बेटा मुझसे कहता है, पापा आप चिंता मत करना, मैं आपके सपनों को लगाम नहीं लगने दूंगा। चिंता तब होती है जब वृद्धाश्रम की चार दीवारी में अपनों के इंतज़ार में अपने किसी साथी की बेबस आँखों को देखता हूँ, जिन अपनों के लिए उसने सारी ज़िंदगी गुजार दी, आज वे ही उन्हें इस हाल में तन्हा छोड़ गए। इस लाचारी के दौर में मेरे इस अजीज दोस्त ने क्या खूब कहा है, जब मैं अपनों की परवाह करने वालों को ढूंढने निकला था, मुझे क्या पता था मेरे अपने ही मेरा इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। उनके बेटे ने यहाँ छोड़ते हुए कहा था, बहुत बिजी हूँ पापा, मैं और आपकी बहू दोनों काम पर चले जाते हैं, आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। आश्रम वाले आपका खूब ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत करना, कोई कमी आने नहीं दूंगा। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी अंतिम मुलाकात होगी, क्योंकि उसका बेटा कभी लौट कर ही नहीं आया। आज भी बूढ़ी आंखें उसके आने का इंतजार करती है। दुनिया की भाग दौड़ में शायद वो कहीं खो गया है, शायद उसका फ़ोन ही आ जाए, इसी उम्मीद में घंटों इंतज़ार करता है। उधर एक साल के बाद भी एक माँ बेचारी अपने बेटे बहू और पोता पोती के आने की राह देखती रही। उसे उम्मीद थी कि वे उससे मिलने ज़रूर आएंगे, बचपन में वे उसके बगैर ज़रा भी नहीं रह पाते थे, उसे पता ही नहीं चला कि वे अब बड़े हो गए थे, अब उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं थी। उसकी बूढ़ी पथराई आँखें उनका इंतज़ार करते करते अब सदा के लिए बंद हो गई। एक मैं खुशनसीब बाप हूँ जिसके अपने उसकी आज भी परवाह करते हैं। अब भी मुझे वही सम्मान और प्यार मिलता है जो सम्मान देना मैंने उन्हें सिखाया था, हर मुश्किल में ईश्वर पर भरोसा करना सिखाया था। आज भी मुझे अच्छा लगता है जब मेरा बेटा मुझसे कहता है, पापा आपने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज भी आपके आशीष भरे हाथों की ज़रूरत है। मेरी बेटी उसकी माँ से कहती है, माँ तूने मुझे अपने सीने से लगाया, हर तकलीफ से बचाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, चल आज मैं तुझे हाथ पकड़कर घुमाती हूँ, सारी दुनिया की सैर कराती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसकी आवाज़ हर पल मेरे कानों में गूंजती है, मत डर मैं सदा तेरे साथ हूँ। भले ही एक माँ अपने मासूम बच्चे को छोड़ दे, मैं कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी के इस मुकाम पर आकर इतना जाना है साहब, हमारी ख्वाहिशों के दाम कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, सच्ची खुशियाँ इतनी महंगी नहीं होती। प्यार दो तो प्यार मिलता है, सम्मान दो तो सम्मान मिलता है। ईश्वर में आस्था रखो तो ईश्वर हर मुश्किल में साथ देता है। भले ही एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे, पर ऊपर वाला साथ नहीं छोड़ता। वह कहता है, मत डर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आइए हम इन्हें सम्मान और प्यार दें, हम इसे जितना देंगे हमें उनसे कहीं अधिक मिलेगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड मीनिंगफुल ग्रैंड पेरेंट्स डे। थैंक यू। संत पापा फ्रांसिस की
ये प्रबल इच्छा रही कि हम सबों को अपने बुजुर्गों का, दादा दादी का सम्मान करना है, उनका आदर सत्कार करना है और उनकी देखरेख करना है। इसलिए उन्होंने लोकधर्मी परिवार एवं जीवन समिति को आदेश दिया कि विश्व स्तर पर एक दिन का आयोजन करें जब सारी दुनिया के लोग मिलकर हमारे बुजुर्गों का आदर सत्कार कर सकें। समिति ने तय किया कि 25 जुलाई को इतवार के दिन ये दिन मनाया जा सकता है, तो इसलिए इस साल हम 25 जुलाई को बुजुर्गों का, दादा दादी का दिवस मना रहे हैं। विश्व स्तर में आयोजित इस समारोह के लिए संत पापा ने खुद मुख्य विषय तय किया, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, I am with you always। इन मुख्य वाक्य को लेकर पूजन विधि का समारोह का आयोजन किया गया है। हम जानते हैं कि दुनिया की सृष्टि से ही ईश्वर मनुष्यों के साथ रहे। अदन वाटिका में आदम और हेवा के साथ वे बातचीत किया करते थे। इब्राहिम, मूसा, दाऊद राजा, सोलोमन राजा के जीवन में अक्सर हम देखते हैं ईश्वर की उपस्थिति और उनका सहयोग लोगों के साथ, अपनी प्रजा के साथ। साथ साथ नबियों को भी ईश्वर ने आदेश दिया उन्हें क्या करना है और उन्होंने उनका मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको मदद करूंगा, जहां मैं भेजता हूं तुम जाओ और जो कार्य मैं देता हूं तुम पूरा करो। इस प्रकार से ईश्वर की उपस्थिति नबियों के जीवन में भी रही। तो ये मुख्य वाक्य जो आई एम विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, प्रभु यीशु ने भी आगे बढ़ाते हुए अपने शिष्यों को भी यही दिखाया कि वे उनके साथ सदा रहते हैं। विशेष करके कठिन परिस्थितियों में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बचाया। और संत मत्ती के सुसमाचार में आखिरी अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब वे स्वर्ग गए तो तब उन्होंने यही वाक्य दोहराया, आई एम विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। हमारे बुजुर्गों को भी ये वाक्य बहुत ही उत्साहपूर्वक है, हर्षवर्धक है, क्योंकि बुढ़ापे में हमारे बुजुर्ग, दादा दादी अकेलापन महसूस करते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता। विशेष करके जब वे बीमार होते हैं या उनकी परिजन दूर रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में वे अकेलापन अनुभव करते हैं। इसलिए संत पापा का ये आदेश, ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, जब वे सोचते हैं उनके साथ कोई भी नहीं है, तब ईश्वर उनके साथ है। तो ये उनको बढ़ावा देता है, उनको हर्ष दिलाता है और इस प्रकार उनका हौसला बढ़ाता है। हमें भी हमारे बुजुर्गों का आदर सत्कार करना है। हम जानते हैं वृद्धावस्था सब लोगों को आती है और जब हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी इस अवस्था में, वृद्धावस्था में हैं, तब हमारा योगदान उनके प्रति, हमारा आदर सत्कार उनके प्रति बहुत रहना चाहिए। विशेष करके वृद्धावस्था में हमारे माता पिता या दादा दादी यह अनुभव करते हैं कि उनकी बात कोई भी नहीं सुनता है, उनके आदेशों पर कोई भी गमन नहीं करता है, वे अब अकेले हैं, उनके बेटे बेटियों ने उनको छोड़ दिया है, नकारा है, दूर किया है।
तो इस प्रकार की भावनाएं हमारे बूढ़े बुजुर्गों के साथ रहती है, हमें उनका साथ देना है, विशेष करके कुछ समय उनके साथ हमें बिताना चाहिए, उनकी बात सुनते हुए, उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, किन परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं, वे जब हम उनके लिए समय देंगे तो उनकी बात हमें मालूम हो जाएगी और उनकी कठिनाइयों को हम दूर कर पाएंगे। उनके लिए साथ, परिजनों का साथ, बेटे बेटियों का साथ बहुत जरूरी है। और जब हम उनकी बात सुनेंगे, उनकी उनकी कठिनाइयों को हम दूर करेंगे, वे हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। साथ साथ उनसे भी हमें कुछ आदेश पूछना है, उनका क्या मार्गदर्शन है हमारे लिए। हो सकता है उनका अनुभव अलग रहा हो और जो आदेश हमें आप दे रहे हैं वो करना मुश्किल है, फिर भी हम उनसे पूछें आपका क्या आदेश है, इस परिस्थिति में हम क्या करें। तो इस प्रकार से जब हम उनकी बात सुनेंगे वो भी खुश हो जाएंगे, चाहे हम करें या ना करें, लेकिन उनकी बात तो हमने सुन ली, यही उनके लिए बहुत है। तो इस प्रकार हमारे दादा दादी बुजुर्गों का वृद्धावस्था में देखरेख करना, उनका साथ देना और उनको हर्षित रखना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने बुजुर्गों को, माता पिता या दादा दादी को हर्षित रखें, खुश रखें, उनकी देखरेख करें। धन्यवाद।